नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन सैनिकों के बीच में झड़प के बाद इसकी गूंज भारत की सियासत में भी सुनाई दे रही है। जी हां, झड़प के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा कई तवांग बयान पर नई बहस छिड़ गई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की थी। राहुल ने कहा था कि चीन हमारे खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, केंद्र सरकार सच को स्वीकार करने के बजाय इसे छिपा रही है। राहुल ने यह भी कहा था कि चीन अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों को पीट रहा है। दरअसल राहुल गांधी के इस बयान का भाजपा नेता गौरव भाटिया ने पलटवार कर कहा कि एक भारतीय होने के नाते भाजपा को भारत की सेना पर गर्व है। जो जवान सीमा पर चीन की सेना को पीट रहे हैं, उनको अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उस समय पर भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारे सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? भारत की एक इंच भूमि ना किसी के कब्जे में है और ना किसी में ये हिम्मत है कि वो कब्जा कर ले। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने दुश्मन देशों से समझौता किया हुआ है कि जब जब भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखाएगी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सेना का मनोबल तोड़ने का कार्य करेगी। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट कर राहुल पर निशाना साधा। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी जी, कब तक आप झूठ बोल बोल कर सेना पर सवाल उठाते रहेंगे? अब तो हमारी सेना की बहादुरी मीडिया में उपलब्ध साक्ष्यों से भी जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। आपने उरी और बालाकोट के बाद भी सेना की बहादुरी का प्रमाण मांगा था। अब तो ये झूठ फैलाना और देश के मनोबल को तोड़ने का काम बंद करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत मजबूत है और अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।